तो दोस्तों आज 23 अगस्त 2020 रविवार का दिन हो चुका है, तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर सीधे WHO की तरफ से एक बड़ी खबर आई है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से WHO ने पहली बार बताया है कि आखिर चीनी बीमारी पूरी दुनिया भर में कितने दिन बाद खत्म हो जाएगी। तो अभी हम आपको इस खबर की पूरी रिपोर्ट बताएंगे। चीनी बीमारी से जुड़ी हुई ये जानकारी पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आतंकवादियों को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली से एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके दो साथी भाग गए हैं। ये लोग हमारे देश में एक बड़ा विस्फोट करने वाले थे, इसी की वजह से हमारे देश के कई हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी हम आपको इस खबर के बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। साथ ही में दोस्तों PM मोदी की तरफ से फिर से एक बड़ी खबर आई है। PM मोदी ने अभी हाल ही में एक बैठक की थी, जिसमें PM मोदी ने बच्चों के खिलौने को लेकर बड़ा ऐलान जारी किया है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि PM मोदी ने बच्चों के खिलौने के बारे में क्या कहा है। साथ ही में दोस्तों Xiaomi का यानी कि Redmi का एक और सस्ता फोन आने वाला है, तो हम आपको अभी उसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में दोस्तों जिन भी लोगों का वोटर आईडी कार्ड है यानी कि पहचान पत्र है, या जिन लोगों के पास पहचान पत्र नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ी खबर आई है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक तरीके से आपको घरेलू गैस सिलेंडर सामान्य दाम के मुकाबले सस्ते में मिलेगा। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे कि आपको घरेलू गैस सिलेंडर कितना सस्ता मिल सकता है और कैसे मिलेगा। साथ ही में दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सरकारी नौकरी को लेकर ढेर सारी वैकेंसी आई है, जिसमें 10वीं पास वाले, 12वीं पास वाले, इसके अलावा ग्रेजुएट वाले भी आवेदन कर सकेंगे। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक ऐसी खबर आई है जो खबर सबसे ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ये आपके फायदे से जुड़ी है। ताजा जानकारी के मुताबिक पढ़ाई करने के लिए सरकार अपनी एक योजना के तहत पैसे देगी। पैसे कैसे लेने हैं इसकी भी जानकारी आई है, तो हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इसी के साथ हमारे भारत में चीनी बीमारी के मरीजों को लेकर एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बना है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सिर्फ 24 घंटे में यानी कि लगभग एक दिन में 70,000 से ज्यादा चीनी बीमारी के नए मामले सामने आए हों। तो दोस्तों इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 30,43,436 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि ये जो टोटल मरीज हमारे भारत में है, तो इनमें से अब तक 56,846 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 900 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं चीनी बीमारी से। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 22,79,900 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि अब जो लोग बचे हैं चीनी बीमारी के मरीज, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 7,06,138 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आखिर चीनी बीमारी कब खत्म होगी। WHO ने पहली बार बताई है समय सीमा। जी हाँ, चीनी बीमारी को लेकर सीधे WHO की तरफ से ये एक बड़ी खबर आई है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि WHO पूरी दुनिया भर की एक ऐसी संस्था है जो कि बीमारियों का, दवाओं का, इसके अलावा महामारी का देखरेख करती है। WHO ही वो संस्था है जिसने चीनी बीमारी को पूरी दुनिया के लिए महामारी घोषित किया है। तो दोस्तों इसी WHO की तरफ से एक ताजा रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बताया गया है कि चीनी बीमारी महामारी 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू की तुलना में कम समय तक रहेगी। 1918 में भी एक बहुत भयंकर बीमारी फैली थी जो कि काफी दिनों तक रही थी, लेकिन आपको बता दें उस वाली बीमारी की तुलना में ये चीनी बीमारी कम वक्त तक रहेगी। WHO के चीफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि चीनी बीमारी की ये महामारी लगभग 2 साल के भीतर खत्म हो जाएगी। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि दुनिया के सभी देशों को एक साथ जुटकर इसके लिए एक अच्छी वैक्सीन, एक अच्छी दवा बनानी होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्या वैक्सीन आने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी नहीं होगा। इस तरह के कई सवालों का जवाब दिया है दिल्ली एम्स के एक बड़े डॉक्टर ने। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जब से चीनी बीमारी फैली है और जब से ये पता चला है कि इसकी वैक्सीन यानी कि दवा जल्दी आ सकती है, तो उसके बाद लोगों के मनों में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब दिल्ली एम्स के एक बड़े डॉक्टर ने दिया है। डॉक्टर नीरज से पूछा गया कि क्या चीनी बीमारी की दवा आने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी नहीं होगा। साथ ही में दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या चीनी बीमारी से पूरी तरीके से ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। साथ ही में डॉक्टर से पूछा गया कि दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश में चीनी बीमारी से मरने वालों की जो संख्या है वो कम क्यों है। साथ ही में डॉक्टर से ये भी पूछा गया कि आजकल लोग अपने आसपास में चीनी बीमारी के मरीज के बारे में जानकर परेशान हो जाते हैं, उससे बात नहीं करते, यानी उनको बिल्कुल ही छांट देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कहना है। साथ ही में डॉक्टर से ये
भी पूछा गया कि कुछ लोग एंटी मास्क का कैंपेन चला रहे हैं, यानी मास्क को गलत बता रहे हैं कि फेस पर मास्क पहनने की वजह से सांस फूलने लगती है, इसके अलावा दम घुटने लगता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, चीनी बीमारी से जुड़े हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब दिल्ली एम्स के एक बड़े डॉक्टर ने दिया है। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब क्या दिए गए हैं डॉक्टर की तरफ से, इसकी एक लिस्ट है। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके दिल्ली एम्स के डॉक्टर के दिए हुए जवाबों को जान पाएंगे। जवाबों को जानने के बाद चीनी बीमारी से जुड़ी हुई आपके पास बहुत सारी ऐसी जानकारी होगी जिससे आपको भी फायदा होगा और आप दूसरों को भी फायदा दे सकेंगे। तो एक बार इस लिस्ट को जरूर चेक कर लें क्योंकि ये आपकी सेहत की और जिंदगी की बात है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्र का राज्यों को निर्देश, लोगों और सामान की आवाजाही पर ना लगाएं पाबंदी। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के कई राज्यों में फिर से कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है चीनी बीमारी के हालात को देखते हुए। आपको बता दें, कई जगहों पर वीकेंड लॉकडाउन का, यानी कि हर शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहेगा, ऐसा भी ऐलान किया गया है। आपको बता दें, इसी के मद्देनजर बहुत सारे ऐसे जिले थे या बहुत सारे ऐसे शहर थे जहां पर सामान की आवाजाही पर या लोगों के आने जाने पर भी पाबंदी लगाई जा रही थी। लेकिन आपको बता दें, इस बात का पता जैसे ही केंद्र सरकार को पता चला तो केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को केंद्र सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि लोगों की आवाजाही पर, इसके अलावा सामान की आवाजाही पर कोई भी पाबंदी ना लगाई जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से काफी पहले ही अनलॉक 3 पूरे देश में लागू किया गया था और अनलॉक 3 के तहत लोगों की आवाजाही बिल्कुल आसानी से हो सकती है, सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जहां पर बहुत ज्यादा चीनी बीमारी के मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में आतंकी गिरफ्तार, यूपी में अलर्ट, इसके अलावा और भी कई जगहों पर अलर्ट हुआ है जारी। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली में ISIS के आतंकी को IED के साथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके दो साथी फरार हो गए हैं, उनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं नेपाल की सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़ा गया है उसका संबंध बलरामपुर से है, ऐसी बातें बताई जा रही हैं। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक ये आतंकी किसी VIP को अपना शिकार बनाना चाहते थे, इसके अलावा वो कोई बड़ा विस्फोट भी, यानी कि धमाका भी हमारे देश में करना चाहते थे। लेकिन फिलहाल एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन दो साथी भाग गए हैं। तो इसी की वजह से दिल्ली में तो पहले से ही अलर्ट जारी है, लेकिन यूपी के भी सभी जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के आसपास के जो भी इलाके हैं वहां पर भी हाई अलर्ट जारी है। दोस्तों, हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप इस खबर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, जानकारों में शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को पता चल जाए इसके बारे में। साथ ही में दोस्तों, हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि सच्चे नागरिक होने का फर्ज निभाइए। कहीं पर भी आपको कोई भी शक वाला सामान दिखता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसके हाव भाव आपको ठीक ना लगे, तो उसके बारे में आपको पुलिस को सूचना देनी चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो PM मोदी का नया बयान, खिलौनों को बनाने में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के इस्तेमाल पर हो जोर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौने को बनाने को लेकर और साथ ही में इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शनिवार को सीनियर मंत्रियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे भारत में बहुत सारे स्थानों पर खिलौने बनाए जाते हैं, हजारों लोग इसमें काम भी करते हैं, लेकिन जो खिलौने बनाए जाते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और नई नई चीजों को बनाया जाए, यानी कि नए तरीके के खिलौने बनाए जाए जो कि दूसरे देश वाले भी पसंद कर पाए। नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खिलौने बनाने से और नए तरीके के खिलौने बनाने से खिलौना बाजार बहुत ज्यादा मजबूत होगा, साथ ही में हमारे देश के बच्चों को भी अच्छी अच्छी चीजें और नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। साथ ही में ये खिलौने जब दूसरे देश जाएंगे तो इससे हमारा फायदा भी होगा। लेकिन PM मोदी ने साथ में ये भी बात कही कि जो भी खिलौने बनाए जाएं तो उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 27 अगस्त को लॉन्च होगा Xiaomi का एक और सस्ता स्मार्टफोन, मिलेगी दमदार बैटरी और ज्यादा रैम। जी हां, Xiaomi लगातार नए नए फोन भारत में लॉन्च करता रहता है और अगले हफ्ते भी Xiaomi की तरफ से एक नया फोन आने वाला है जिसका नाम होगा Redmi 9। ताजा जानकारी के मुताबिक ये फोन एक बजट फोन होगा, यानी कि ज्यादा महंगा नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं, Xiaomi ऐसे ही सभी चीजें काफी सस्ती पेश करता है मार्केट में दूसरी कंपनियों के मुकाबले। ताजा जानकारी के मुताबिक इस फोन में ज्यादा रैम मिलने की संभावना है, इसके अलावा स्टोरेज में ये दूसरे फोन से पीछे नहीं रहेगा। परफॉर्मेंस के लिहाज से इस फोन में हाइपर इंजन गेम टेक्नोलॉजी दी जाएगी जिसकी वजह से ये फोन काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। फिलहाल इसकी कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा क्योंकि इसकी लॉन्चिंग डेट 27 अगस्त 2020 है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस दिन से शुरू होंगी 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक की परीक्षाएं, सभी काम होगा ऑनलाइन। जी हां, चीनी बीमारी के संकट के बीच प्रदेश के सरकारी स्कूलों में परीक्षाएं करवाने के लिए एक नया प्रयोग होने जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये परीक्षाएं 7 सितंबर 2020 से लेकर 13 सितंबर 2020 तक चलेगी। आपको बता दें, ये परीक्षा पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। 2 घंटे की परीक्षाओं की डेट शीट शनिवार को जारी कर दी गई है। विद्यार्थियों को वेबसाइट के जरिए प्रश्न पत्र यानी के पेपर दिए जाएंगे, साथ ही में वीडियो कॉलिंग के जरिए जो टीचर है वो नजर रखेंगे। साथ ही में घर वालों को भी कह दिया गया है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें जिस समय पेपर हो रहा हो। 2 घंटे तक पेपर चलेगा, लेकिन ये पूरा काम ऑनलाइन होगा और 2 घंटे तक वीडियो कॉलिंग जारी रहेगी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंसिंग। 2 घंटे के अंदर पेपर पूरा करके व्हाट्सएप पर फोटो खींचकर आंसर शीट भेजनी होगी। लेकिन आपको बता दें, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या कहीं कहीं का सिग्नल जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो इस तरह के छात्रों को टीचर पेपर जो है उनके घर पर पहुंचाएंगे। 17 सितंबर 2020 तक उनके घर वालों को आंसर शीट जो हार्ड कॉपी होगी वो स्कूल में जमा करनी होगी। फिलहाल ये सारी व्यवस्था हिमाचल सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन आपको बता दें, चीनी बीमारी को देखते हुए आने वाले दिनों में पेपर करवाने का ये सिस्टम देश के और भी कई राज्यों में हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब आपकी पढ़ाई के लिए पैसा देगी सरकार। फॉलो करें ये 5 स्टेप्स, तुरंत खाते में आ जाएगा पैसा। जी हाँ, जी बिजनेस की तरफ से ये ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि क्या आप भी पैसों की कमी के कारण अपने पढ़ने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने आपकी इस परेशानी को हल कर दिया है। केंद्र सरकार अब छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन बहुत आसानी से दे रही है। सरकार की एक योजना है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। आपको बता दें, यही वो योजना है जिसके तहत पढ़ने वालों बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे। ताजा मिली जानकारी में ये भी बताया गया है कि इस वाली योजना में कैसे हिस्सा लेना है। अच्छी बात यह है कि इस वाली योजना में हिस्सा लेने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। स्मार्टफोन की मदद से या कंप्यूटर की मदद से सरकार की इस योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सरकार की इस योजना में कैसे हिस्सा लेना है, इसकी और ज्यादा जानकारी क्या है, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। जो भी ऐसे बच्चे हैं जो पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो वो भी लोग अब पढ़ पाएंगे ताजा मिली जानकारी के मुताबिक। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ब्रिटेन में नीलाम हुआ महात्मा गांधी के सोने की परत वाला चश्मा, करोड़ों रुपए में लगी है बोली। जी हाँ, गांधी जी से जुड़े एक चश्मे की ब्रिटेन में नीलामी हुई जो कि करोड़ों रुपए में बिकी है। ब्रिटेन के एक नीलामी घर द्वारा सोने की परत चढ़े इस चश्मे की जो कीमत लगाई गई नीलामी के दौरान वो 2,60,000 पाउंड थी, जो कि भारतीय रुपीज करीबन 2,55,00,000 रुपए होती है। दोस्तों, जो चश्मा अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इस चश्मे को गांधी जी पहना करते थे, लेकिन गांधी जी ने बाद में इस चश्मे को किसी को तोहफे में दे दिया था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अगर नहीं है वोटर लिस्ट में नाम, तो ऐसे घर बैठे जुड़वाएं। साथ ही में चेक करें कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, क्योंकि बहुत जल्द आने वाले हैं चुनाव। जी हाँ, इस चीनी बीमारी के संकट के बीच अक्टूबर या नवंबर के महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बिहार चुनाव होने के बाद देश के और भी कई जगहों पर जैसे ही डेट आएगी चुनाव की, तो वहाँ पर भी चुनाव करवाया जाएगा चीनी बीमारी के हालात के बीच भी, तो वहाँ पर भी चुनाव होगा ही, चीनी बीमारी का संकट रहेगा उसके बावजूद। लेकिन आपको बता दें, इसके लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है कि जो वोट डालने जाएंगे वो किस तरीके से जाएंगे, किन नियमों का पालन करना होगा, इसके अलावा चुनाव का जो प्रचार होगा वो कैसे करना है, मास्क पहनने के लिए कहा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग करने को कहा गया है, साथ ही में सैनिटाइजेशन के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि इस बार जो चुनाव होने हैं वो नए नियमों के तहत होगा। लेकिन आपको बता दें, चुनाव के बीच बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है, तो जो भी लोग ऐसे हैं वो लोग घर बैठे बिल्कुल आसानी से अपने फोन के जरिए अपने नाम को वोटर लिस्ट में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, चुनाव आयोग की अपनी ऐप और अपने वेबसाइट के जरिए। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जा पाएंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, तो आप उस ऐप की मदद से भी अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं, साथ ही में अपना नाम जोड़ भी सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दोबारा खेलते नजर आएंगे राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, धोनी और जहीर खान, इसके अलावा इरफान पठान। जी हाँ, जो भी लोग क्रिकेट देखने के शौकीन हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी इरफान पठान का एक ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इस ट्वीट में इरफान पठान ने संन्यास ले चुके उन खिलाड़ियों का नाम लिखा है जिन्होंने बरसों टीम में कई मैच खेले हैं और अच्छा प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, उनमें इरफान पठान भी शामिल हैं। इरफान पठान की गिनती हमेशा भारतीय क्रिकेट इतिहास के बेहतरीन ऑलराउंडर में होती है। दोस्तों, आपको बता दें, इरफान पठान ने एक सुझाव दिया है, उस सुझाव को अगर मान लिया गया तो आने वाले दिनों में जो भी क्रिकेट के फैन है वो लोग गौतम गंभीर को, वीरेंद्र सहवाग को, राहुल द्रविड़ को, इसके अलावा वीवीएस लक्ष्मण को, युवराज सिंह को, सुरेश रैना को, एमएस धोनी को, इरफान पठान को, जहीर खान को एक साथ खेलते हुए देख पाएंगे। इरफान पठान ने ये सुझाव दिया है कि जो भी खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं, तो उन खिलाड़ियों का एक मैच करवाया जाए जो मौजूदा टीम के खिलाड़ी हैं उन लोगों के साथ एक चैरिटी के तहत, यानी इस वाले मैच में ज्यादा फायदा नुकसान वगैरह नहीं देखा जाएगा। फिलहाल ये एक सुझाव है इरफान पठान का, लेकिन अगर इस सुझाव को मान लिया जाता है बीसीसीआई की तरफ से, तो एक ऐसा मैच लोगों को देखने को मिलेगा जो कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले हमारा एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा सर्वे है आपके लिए इसी खबर से जुड़ा हुआ। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पुराने खिलाड़ियों की एक टीम बनेगी जो लोग संन्यास ले चुके हैं। आपको बता दें, संन्यास लेने वालों में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो पुराने खिलाड़ियों का जब नए खिलाड़ियों से मैच होगा तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा, इसी का जवाब आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मेट्रो में सफर के लिए गाइडलाइन हुई जारी। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, ताजा मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले सितंबर के महीने से मेट्रो शुरू हो सकती है, यानी दिल्ली में मेट्रो चलना शुरू हो सकता है।
सकता है। जानकारी के मुताबिक सितंबर के पहले सप्ताह में अगर मेट्रो की सेवाएं शुरू होती हैं तो फिलहाल आम आदमी को सफर करने की अनुमति नहीं मिलेगी। पहले सप्ताह में सरकारी कर्मचारी या इससे जुड़े हुए लोग ही सफर कर पाएंगे। हफ्ते भर तक अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर आने वाले दिनों में जो आम लोग हैं उन लोगों को भी मेट्रो से सफर करने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन इस बार मेट्रो में चढ़ने से पहले लोगों को बहुत सारे नियमों का पालन करना होगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मेट्रो स्टेशन के गेट पर ही लोगों का टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाएगा। अगर थोड़ा सा भी बुखार या सर्दी या जुकाम के लक्षण दिखते हैं तो फिर मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही में जो भी लोग इसमें सफर करेंगे तो उन लोगों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। इसके अलावा इस बार टोकन के जरिए मेट्रो में सफर नहीं हो पाएगा। लोगों को मेट्रो में सफर करने के लिए स्मार्ट कार्ड लेना होगा, क्योंकि जो टोकन इस्तेमाल होता है वो बहुत सारे लोगों के पास जाता है, तो टोकन के जरिए चीनी बीमारी फैल सकती है। साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही से हो सके इसके लिए मेट्रो स्टेशन में जो भी मेट्रो ट्रेनें आएंगी तो वो पहले के मुकाबले 30 सेकंड ज्यादा रुकेंगी। साथ ही में आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए मेट्रो ट्रेनों के डिब्बों में एक सीट के अलावा दूसरे सीट पर स्टिकर लगाया गया है जिस पर लिखा हुआ है कि इस पर बैठना मना है। यानी मेट्रो ट्रेन में जो भी सीटें लगी हैं तो एक सीट पर एक आदमी बैठेगा, दूसरा खाली होगा, फिर तीसरे पे बैठेगा तो चौथा खाली होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब खेती की जमीन खरीदने में भी मदद करेगा SBI, देगा 85% तक का लोन। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी के कारण बहुत सारे लोग जो शहर में नौकरी करते थे वो लोग गांव में चले गए हैं। शहर के हालात देखते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गांव से आना भी नहीं चाहते और गांव में ही खेती बाड़ी करना चाहते हैं। तो आपको बता दें, ऐसे लोगों की मदद के लिए भारत का सबसे बड़ा बैंक आगे आया है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई स्कीम शुरू की है जिसका नाम है SBI लैंड परचेज स्कीम। आपको बता दें, इस स्कीम के तहत जो खेती करने वाली जमीन है उसके लिए भी लगभग 85% का लोन दिया जाएगा। जो भी लोग खेती की जमीन खरीदना चाहते हैं तो उन लोगों को अपनी तरफ से मात्र 15% पैसे जमा करने होंगे। लेकिन दोस्तों, इस लोन को लेने की ये शर्त है कि जो भी लोग इस लोन में अप्लाई करेंगे तो उन पर कोई भी पुराना कर्ज वगैरह बकाया नहीं होना चाहिए, यानी कि दूसरे बैंक वगैरह का। अधिक जानकारी के लिए आप SBI के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं या उनकी ब्रांच में जा सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी की वजह से अत्यंत गरीब हो सकते हैं दुनिया के 10 करोड़ से ज्यादा लोग। विश्व बैंक की तरफ से आई है ये चेतावनी। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी और अर्थव्यवस्था की बंदी से दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है, खासकर गरीब देशों को। विश्व बैंक के मुताबिक चीनी बीमारी की वजह से पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग बहुत ज्यादा गरीब हो सकते हैं। इतने ज्यादा गरीब के उनको खाने पीने तक की दिक्कत हो सकती है। चेतावनी दी है कि यदि ये महामारी यानी कि चीनी बीमारी लंबे समय तक रही तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग भी बहुत ज्यादा गरीब हो जाएंगे। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि गरीब देशों के लिए जो अमीर देश है उन लोगों को आगे आना पड़ेगा, वरना इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हो जाएंगे जो कि खाने पीने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो तबलीगी जमात पर दर्ज FIR हुई रद्द। जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात मामले में देश और विदेश के जमातियों के खिलाफ जो भी FIR दर्ज की गई थी उन सभी को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में तबलीगी जमात का भी एक बहुत बड़ा मामला काफी दिनों तक सामने चला था। बहुत सारे न्यूज मीडिया की तरफ से ये बताया जा रहा था कि तबलीगी जमात की वजह से बहुत ज्यादा चीनी बीमारी फैल रही है। लेकिन आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच ने साफ साफ इस बात से इनकार किया है और कहा है कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया, क्योंकि चीनी बीमारी तबलीगी जमात के बिना भी आज लाखों लोगों में फैल गई है। जिन लोगों को पता नहीं है, हम बता दें कि तबलीगी जमात मुसलमानों में ही एक फिरका होता है। जिन भी लोगों पर FIR की गई थी तो उन सभी की FIR को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सभी लोग अब बाइज्जत बरी कर दिए गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल के दाम में आज फिर हुआ इजाफा। आइए बताएं क्या है ताजा भाव। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल के दाम में तो कोई बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन एक बार फिर से लगातार दूसरे दिन पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज शनिवार को पेट्रोल के दाम में 14 से 16 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81.35 रुपए है, वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 73.56 रुपए है। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन चार शहरों में नहीं रहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके अपने शहर का भी पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 23 अगस्त 2020 को पूरे भारत में ऐसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज रविवार को गंगीय दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में साथ ही में गुजरात में मध्यम से भारी बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी से भी ज्यादा भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में, कोंकण में, गोवा में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। असम के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। साथ ही में आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार के भी कुछ हिस्सों में, गंगीय पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, विदर्भ में, तटीय
कर्नाटका में, इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही में पंजाब के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा तेलंगाना में, साथ ही में जम्मू कश्मीर के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गैस सिलेंडर का पैसा इस प्लेटफॉर्म से करें पे, आपको मिलेगा 50 रुपए का फायदा। जी हाँ, हर महीने आप रसोई गैस सिलेंडर खरीदते हैं, इसके लिए जाहिर सी बात है कि आप कई तरीकों से सिलेंडर का पेमेंट करते होंगे। लेकिन आपको बता दें, अभी एक ताज़ा ऑफर आया है अमेज़न ऐप पर, यानी कि अमेज़न पे पर। ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक इस ऑफर की वजह से गैस सिलेंडर आपको 50 रुपए सस्ता पड़ेगा। जो भी लोग अमेज़न पे से गैस सिलेंडर बुक करेंगे, उन लोगों को फ्लैट 50 रुपए वापस मिल जाएगा। फिलहाल अमेज़न पे पर इंडियन गैस, एचपी गैस और भारत गैस के कस्टमर सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। हम आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिस पर आप क्लिक करके ये जान पाएंगे कि अमेज़न पे ऐप पर जाकर किस तरीके से गैस सिलेंडर की बुकिंग करनी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कई महान हस्तियों की बायोग्राफी यानी कि सफलता की कहानी आई सामने PTRNews.com की तरफ से। जो लोग निराश हो रहे हैं, उन्हें मिलेगा बड़ा हौसला। जी हां, PTRNews.com की तरफ से बहुत सारे महान लोगों की सफलता की कहानी की एक लिस्ट आई है। आपको बता दें, ये लिस्ट आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो भी लोग हौसला हार जाते हैं, तो उन लोगों को हौसला मिलेगा अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए। ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक इस वाली लिस्ट में आपको जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसकी सफलता की कहानी मिलेगी। इसके अलावा अमेज़न के मालिक जो हैं, इसके अलावा विराट कोहली की सफलता की कहानी, सलमान खान की सफलता की कहानी, फेसबुक के मालिक की सफलता की कहानी, इसके अलावा जिस प्लेटफॉर्म पर यानी कि यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये कैसे इतना कामयाब हुआ, इसकी भी सफलता की कहानी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो एप्पल कंपनी के मालिक हैं, उनकी भी सफलता की कहानी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सफलता की कहानी आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेगी। कई ऐसी और बड़ी हस्तियां हैं जिनकी सफलता की कहानी आप इस वाली लिस्ट में देख पाएंगे। पूरी दुनिया भर में जो मशहूर है गूगल, जिसे हर बच्चा जानता है, तो इसकी भी सफलता की कहानी आपको देखने को मिलेगी। तो हम आपको इसके लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके ये सभी चीजें एक साथ देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस दिग्गज की माने तो आने वाले दिनों में 10 ग्राम सोने का रेट हो जाएगा 1,46,000 रुपए। जी हाँ, सोने के दाम को लेकर ये एक बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जेफरीज ग्लोबल के इक्विटी हेड क्रिस्टोफर वुड ने कहा है कि आने वाले दिनों में सोने का दाम बहुत तेजी से बढ़ेगा। साथ ही में ये भी बात बताई गई है इस दिग्गज की तरफ से कि 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब हो सकता है। तो इसीलिए अभी सोने के निवेश को भी काफी अच्छा माना जा रहा है। फिलहाल 10 ग्राम सोने का दाम 50,000 के करीब रहता है। तो दोस्तों, आज 23 अगस्त 2020 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।